डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन इज इन द प्रोडक्ट 459 * 46 * 28* * 484 ओके तो देखिए नंबर गिवन है हमें 459 मल्टीप्लाई विद 46 मल्टीप्लाई विद 28* मल्टीप्लाई विद 484 ओके और इसकी जो यूनिट प्लेस पर नंबर वो है 8। तो बेसिकली क्या आना चाहिए अगर गिवन नंबर्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये आएगा 9 यानी कि पहले नंबर की यूनिट प्लेस इंटू सेकेंड नंबर का सेकेंड जो नंबर है उसकी यूनिट प्लेस दैट इज 6 इंटू इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा * इंटू इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज 9 6 = 54 54 * 4 = 216 और ये जो वैल्यू आनी चाहिए ये आएगी वैल्यू 8 ठीक। तो बेसिकली अगर हम खाली इनका यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करें तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी सो दिस इम्प्लाइज 6 * ये इक्वल टू 8 होगा। तो यानी ये हमें ये बताना है कि * यानी कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 6 में ताकि जो यूनिट प्लेस पर नंबर 8 आ जाए। सो देखिए 6 * 3 = 18 होता है तो अगर हम ये सब्सिट्यूट करें * की जगह 3 तो जब हम 6 * 3 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 18 और इसकी यूनिट प्लेस पर क्या नंबर है 8। तो ये जो पूरे जो प्रोडक्ट है इसकी जो यूनिट प्लेस में नंबर क्या जाएगा 8। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ * इज 3 सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।